हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है संडे और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तो जो मैं डेली मेरा गार्डन क्लीनिंग रहता है वो मैं कैसे गार्डन क्लीन रखती हूँ और कुछ संडे अपडेट्स है। और फ्रेंड, आज मेरे गार्डन में 3 न्यू फ्लावर्स खिले हैं और ये 3 न्यू फ्लावर्स वो है जो मैंने पहली बार मेरे गार्डन में ऐड किए हैं। और अब जब हम कोई न्यू प्लांट अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो जब उनके फ्लावर्स खिलते हैं तो आपको पता ही है कितनी खुशी मिलती है, और आज ये मेरी खुशी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरा गार्डन क्लीनिंग बहुत ही जल्दी हो जाता है, डेली गार्डन क्लीनिंग जो मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने जो पॉट्स हैं मेरे वो डायरेक्ट फ्लोर पर नहीं रखे हैं, वो मैंने थोड़ा सा स्टैंड बनाकर जुगाड़ से ही बनाया है स्टैंड, क्योंकि गार्डनिंग में मैं अभी बिगिनर ही हूँ। 2 ईयर्स हुए हैं मुझे गार्डनिंग स्टार्ट किए हुए, और शुरुआती में पॉट्स और मिट्टी जमा करने में ही बहुत सारा समय मुझे लग गया, और अभी भी चालू है वही काम मेरा। कभी मिट्टी कम पड़ जाती है तो कभी पॉट्स कम पड़ जाते हैं, न्यू प्लांट्स लाने होते हैं और ये सारे जो काम होते हैं उनमें मैं प्लांटर्स के लिए कोई स्टैंड खरीद नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैंने जुगाड़ करके ये स्टैंड्स बनवाए हैं। तो ईंटें रख दी है मैंने और ईंटों के ऊपर कुछ भी रख देती हूँ जो मिल जाता है वेस्टेज सामान, तो उसके ऊपर मैं गमले रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरे जो सफाई है वो अच्छे से हो जाती है, और इस तरह से मैं झाड़ू से नीचे से पूरी जो कचरा वगैरह रहता है मिट्टी तो वो सब निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी जल्दी मेरी क्लीनिंग हो जाती है गार्डन की। और पहले जब स्टार्टिंग में 2 साल पहले मैंने गार्डनिंग स्टार्ट किया था तो मैंने ये गमले नीचे ही रख दिए थे फ्लोर पे, तो मुझे गमले हटा हटा कर वहाँ से झाड़ू लगाना पड़ता था पीछे से और आजू बाजू से गमलों के, लेकिन अब मेरी क्लीनिंग अच्छे से और जल्दी हो जाती है। तो अगर आप भी गार्डनिंग करते हैं और आपके ग्राउंड फ्लोर पे हो या टेरेस पे हो आपके गार्डन, तो अगर आप गार्डनिंग करते हो और आपने भी ऐसे गमले नीचे रख दिए हैं तो आप ऐसे इस तरह से स्टैंड बना सकते हैं। ये जुगाड़ से स्टैंड मैंने बनाया है तो अभी के लिए यही है, बाद में लेके आऊँगी मैं। आयरन के भी स्टैंड मिलते हैं लोहे के, तो वो बनवाने पड़ते हैं तो वो भी बनाऊँगी आगे, लेकिन अभी के लिए तो मेरे यही स्टैंड अच्छे हैं और मेरा काम चल जाता है इसमें ही भी, और गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है थोड़ी सी हाइट देकर प्लांटर्स रखने से। और पीछे के प्लांटर्स में हाइट देकर रखती हूँ और आगे वाले थोड़े से नीचे रख देती हूँ, तो इससे सुंदर लगता है अपना गार्डन। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते करते मेरी क्लीनिंग भी हो गई है, और देखिए अब गार्डन कितना अच्छा लगेगा। क्लीनिंग के बाद अच्छा लगता है गार्डन को, मैं डेली सुबह सुबह ही ये क्लीनिंग कर लेती हूँ गार्डन की, क्योंकि बारिश के कारण मिट्टी वगैरह सब बह के इधर ही आती है तो झाड़ू लगाना ही पड़ता है, और बच्चे भी खेलते हैं ऊपर तो अच्छा लगता है झाड़ू लगाने के बाद साफ सफाई हो जाती है। तो देखिए मैंने इधर ये होममेड मेरे ग्रो बैग्स है, उसमें मिर्ची के पौधे लगाए हैं, और इधर ये लौकी की करेले की बेल है दोनों, तो देखिए इस तरह से ये ग्रो हो रही है। और आज का ये पहला सरप्राइज आपके लिए कि मेरा कैनरीली का फ्लावर मेरे गार्डन में फर्स्ट टाइम खिला है, और ये प्लांट मैंने 2-3 महीने पहले ही लाया है मेरे गार्डन में, किसी ने मुझे दिया था, परचेस नहीं किया है मैंने, किसी ने मुझे ऐसे ही दे दिया है। तो देखिए इसके फ्लावर्स कितने खूबसूरत और कलर्स भी खूबसूरत है, एक ही कलर का है मेरे पास और इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, ऑरेंज, येलो, तो कुछ शेडिंग में भी होते हैं, तो मेरे पास ये है। और देखिए कितने बहुत सारे इसमें न्यू प्लांट्स निकल के आए हैं फ्रेंड्स, तो एक बार आप ये प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर देंगे तो आप इससे बहुत सारे न्यू प्लांट्स बना सकते हैं, और ये आपके गार्डन में से कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये देखिए पोटूला का बहुत ही सुंदर, ये सीड से ग्रो किया हुआ है मैंने, और इसके जो पंखुड़ियाँ है देखिए बहुत ही पतली है और बहुत ही सुंदर लगती है। और आज मैंने फिश कैप्चर कर ली आपको दिखाने के लिए, ये टैंक बारिश के पानी से पूरा भर गया था फ्रेंड्स, और मैंने आज ही इसका जो पानी है वो आधा प्लांट्स को डाल दिया है, तो ये जो मछलियाँ हैं वो आपको दिख पा रही है। तो पानी जब पूरा भरा रहता है टैंक में तो मैं आपको मछलियाँ दिखा नहीं पाती हूँ, और मैंने 2-3 ही 5-6 मछलियाँ लाई थी, लेकिन अब बहुत सारी हो गई है उसमें। और वर्बिना देखिए बहुत ही सुंदर, तो इस तरह से
मैं बीच में कोई भी प्लांटर्स नहीं रखती हूँ क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए जगह चाहिए होती है। और देखिए फ्रेंड्स, अब कैसा लग रहा है क्लीनिंग के बाद गार्डन, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये वाले गमले मैंने इस साइड रख दिए हैं अभी, तो अच्छा लग रहा है पहले से। और देखिए फ्रेंड्स, आज का सेकंड सरप्राइज़ आपके लिए, ये है जिनिया का फ्लावर। जिनिया का फ्लावर मेरे गार्डन में फर्स्ट टाइम खिला है। और ये जो जिनिया का प्लांट है, ये मैंने सीड्स से ग्रो किया है। ये सीड्स मैंने मार्केट से लाए थे, 30 रुपीज़ का पैकेट मिला था मुझे और उसमें मिक्स सीड्स ऐसा लिखा था। तो ये देखिए, मैंने थोड़े से सीड्स डाले थे और जब प्लांट्स आए थे उसके छोटे छोटे, तो मैंने उससे सेपरेट करके लगा दिए थे दो दो प्लांट्स एक एक गमले में। तो देखिए, इसके कलर बहुत ही सुंदर है और फ्लावर भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप भी आपके गार्डन में जिनिया को ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, इसका भी कलर बहुत ही सुंदर है। तो मैंने थोड़े से सीड्स में ये प्लांट्स ग्रो कर लिए हैं और भी सीड्स बाकी है मेरे बचे हुए हैं। तो देखिए, सुंदर फ्लावर्स है इसके, बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देसी गुलाब मेरा। देसी गुलाब में बहुत सारी कलियां बनी हुई है और एक बार फ्लावरिंग होकर ख़त्म हो जाती है तो फिर से बहुत सारी कलियां आ जाती है इसमें। तो इस तरह से ये हमारा देसी गुलाब साल भर मुझे बहुत सारे फ्लावर्स देता है। और फ्लावर्स का मैं गुलकंद बनाती हूँ, तो आप भी गुलकंद चाहते हैं तो देसी गुलाब को आपके गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए फ्रेंड्स। और इधर देखिए, ये रजनीगंधा का बल्ब मैंने जो ऑनलाइन मंगवाया था, उसकी लीव्स निकल के आ गई है। और इधर ये शेवंती की कटिंग्स है, जो मैंने कटिंग्स से लगाई थी वो मुझे पता नहीं किसी ने मुझे दी थी। और ये कौन सी कलर की है ये भी मैं बता नहीं पाऊंगी आपको, ये फ्लावर्स आने के बाद ही पता चलेगा। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है फ्रेंड्स। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने सीड्स ऑनलाइन मंगवाए थे वो मैंने सभी गमलों में 10 वेराइटीज़ के सीड्स थे और 10 गमलों में मैंने इसे डाल दिया है। तो देखिए, सभी गमलों में छोटे छोटे पौधे निकल के आए हैं। अब देखते हैं इनकी ग्रोथ कैसे होती है। और देखिए, यहाँ पर ये क्रोटन भी बहुत ही सुंदर जो बुशी बनता जा रहा है। और ये बाकी सारे मेरे प्लांट्स इधर वाटर रिली टैंक के बाजू में रखे हुए। और फ्रेंड्स, ये आपको मैं गॉम्फ्रेना दिखाती हूँ। ये जब फूलों से भर जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। और इधर भी जिनिया का एक प्लांट और ये वाइट हिबिस्कस मेरा। और ये बालसम देखिए, बालसम एक बार आप अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो ये सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही फ्लावरिंग देगा। और इसमें पूरे प्लांट भर के फ्लावर्स आते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है इसका प्लांट। और इधर ये दूसरा बालसम जो है, ये मैंने मार्केट से जो सीड्स का पैकेट लाया था उससे ग्रो किया हुआ है। तो ये मिक्स सीड्स से लिखा था उस पर, तो ये मिक्स कलर के आए हैं सीड्स उसमें बहुत सारे, 4 वेराइटीज़ के आए हैं। और सिंगल पेटल में ही है इसके फ्लावर्स, लेकिन बहुत ही सुंदर कलर्स आए हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। और ये बोट लिली, जिसमें नई पत्तियां निकल कर आ रही है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा घना बनने के बाद और न्यू जब इसमें ब्रांचेस पत्तियां निकल के आएंगी तो इसको मैं हैंगिंग में लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये फ्लावरिंग वाले मेरे प्लांट्स तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। और ये शेवंती देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट कलर की शेवंती का प्लांट है मेरा। ये हल्दी का प्लांट भी मेरे गार्डन में अपने आप उग कर आता है हर साल। ये भी शेवंती का, वाइट शेवंती का प्लांट है। ये कैना लिली देखिए फ्रेंड्स, तो कैना लिली का मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी क्योंकि मैंने इस साल ही दो तीन महीने पहले इसे ऐड किया है। तो अभी इसके फ्लावर्स खिले हैं तो मैं आपसे शेयर किए बिना रह नहीं पाए, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये फ्लावर्स। तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरे ये फ्लावर्स कैसे लगे। और तुरई देखिए, बहुत सारी तुरई लगी थी मेरे गार्डन में, 5-6 तुरई जो मैंने आज ही हार्वेस्ट कर ली है। और बहुत ही हेल्दी है तुरई की बेल भी। और ये पोटुला का देखिए, कितने सारे फ्लावर्स खिले हैं पोटुला का में। तो पोटुला का में आप भी बहुत सारे फ्लावर्स चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि जब एक ब्रांच पे फ्लावर्स आते हैं तो फ्लावर ख़त्म हो जाने के बाद आपको वहाँ से पिंच कर देना है, तो उससे न्यू ब्रांचेस निकल के आती है और न्यू ब्रांचेस पे डबल फ्लावरिंग होती है। इस तरह से आप पोटुलाका में बहुत सारे फ्लावर्स पा सकते हैं।
तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, इसलिए मेरे जो प्लांट्स हैं वो इतने फैल गए हैं कि उसके प्लांटर्स भी दिख नहीं रहे हैं आपको। तो इस तरह से मेरे जो पोटू लगा है वो बहुत सारे फ्लावरिंग देते हैं मुझे। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये पोटू लगा मेरे, और ये फ्लावर भी बहुत देर तक बने रहते हैं। शाम के 5-6 बजे तक तो ये फ्लावर्स रहते हैं, और दूध से भी बहुत ही सुंदर लगते हैं ये फ्लावर्स। तो इसके मैंने हैंगिंग्स भी बनाई हुई है, हैंगिंग्स में भी लगाए हैं मैंने ये। और मैक्सिकन पेटूनिया में देखिए फ्रेंड्स, आज 3 फ्लावर्स खिले थे, लेकिन मैक्सिकन पेटूनिया का क्या हो रहा है कि बारिश आ जाती है और फ्लावर्स झड़ जा रहे हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं इसमें फ्लावर्स, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक फ्लावर्स होते हैं। और मैरीगोल्ड देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी कलियाँ और बहुत सारे फ्लावर्स बने हैं इसमें। और ये मेरा प्लांट, एक ही प्लांट है मेरे पास मैरीगोल्ड का, जिसकी मैंने बहुत सारी कटिंग भी लगाई है, लेकिन ये वाला जो मदर प्लांट है इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। ये मैक्सिकन पेटूनिया वाइट कलर, जो छोटा सा प्लांट है, और एक बड बनी हुई है इसमें। और आज का तीसरा सरप्राइज फ्लावर आपके लिए ये है कॉलीफ्लावर। जो कॉलीफ्लावर का मेरा प्लांट मैंने 3 महीने पहले लगाया है ये बीजों से, और देखिए इसमें छोटा सा कॉलीफ्लावर आया हुआ है, फूलगोभी बोलते हैं हम उसे। तो देखिए छोटी सी फूलगोभी आई है इसमें, और प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो देखिए कितने हेल्दी लग रहे हैं। तो मैं कोई भी बाहर का फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, सिर्फ गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, और बस इन घरेलू जो अपने वेस्ट निकलते हैं उसके कंपोस्ट से और लिक्विड फर्टिलाइज़र से ही मेरे प्लांट्स अच्छे हैं। और टमाटर में भी फूल बने हुए हैं, तो देखते हैं टमाटर आते हैं या फूल झड़ते हैं। और इधर ये भी एक कटिंग है, मुझे पता नहीं इसका नाम, लेकिन ये कटिंग अब मैं गमले में लगाऊंगी, ये अच्छे से ग्रो हो रही है, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी इस प्लांट की। और पालक मैंने एक टब में पालक लगाया हुआ है फिर से, क्योंकि वो पहला वाला पालक मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, अभी वो ख़त्म होते आ रहा है। तो इस तरह से कुछ ये फ्लावर्स आए हुए हैं, और वर्बिना ने तो मुझे बहुत ही खुश कर दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि वर्बिना 5-6 दिनों से इतने सारे फ्लावर्स दे रहा है बंचेस में, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और वर्बिना में और भी कलर्स आते हैं, पिंक और वाइट भी कलर्स आते हैं इसमें, तो वो भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अभी मैं उनको लेके आऊँगी जल्दी से और अपने गार्डन में ऐड करूँगी। तो ये वाला जो मेरा हैंगिंग है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं इसमें। और गिलोय देखिए फ्रेंड, गिलोय में भी बहुत सारे न्यू ब्रांचेस निकल कर आई है मेरे। तो ये जो वर्बिना के फ्लावर्स होते हैं ये दिखने में तो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर, और बंचेस में आते हैं तो सुंदर ही दिखते हैं। और इधर देखिए फ्रेंड, ये मेरा सिंगोनियम जो आपको मैंने मेरी कटिंग्स वाली वीडियो में शेयर की थी, कटिंग से लगाया हुआ, अब कितना बुशी बनता जा रहा है, न्यू लीव्स बहुत सारे निकल के आ रही है। और ये मेरा बॉटल वाला, और इधर भी ये मेरे सारे गुलाब के प्लांट्स हैं रखे हुए, जिसमें बहुत सारी नई पत्तियां निकल कर आ रही है, और इसमें भी जल्दी से फ्लावरिंग होगी ऐसा लगता है। और देसी गुलाब में तो कलियां बनी हुई है, लेकिन जो अभी मैंने गुलाब ऐड किया है उसमें भी बहुत सारी नई पत्तियां निकल के आई है फ्रेंड्स, उसकी भी ग्रोथ अच्छे से हो रही है। और अब मैं आपको मेरे ये देखिए अनार का प्लांट है मेरा, और मैं इधर के भी प्लांट्स आपको दिखा देती हूँ, करी पत्ता भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये सारे प्लांट्स तो मैंने आपको पहले दिखाए थे पिछली वीडियो में, तो टमाटर के प्लांट्स तब छोटे थे, अब देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ये जो मेरा मनी प्लांट था ये मैंने वाटर लिली टैंक में रखा हुआ था, तो बहुत सारे एरियल रूट्स निकल के आई है इसमें, और पानी में फैलता जा रहा था वो, तो इसलिए मैं उसे इधर लेके आई हूँ, और अब मैं इधर ही रखूँगी। और ये हैंगिंग देखिए, ये टेंगल हार्ट के हैंगिंग्स हैं मेरे, तो बाहर से भी जो भी जाता है रास्ते पर से तो उनको बहुत ही आकर्षित करता है ये मेरा हैंगिंग, तो बहुत सारी कटिंग मैं इसकी बांट चुकी हूँ, और अभी थोड़ा सा पीला पड़ता जा रहा है ये, तो अच्छे से हो जाएगा ये। बाकी प्लांट्स के कारण मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाई थी। और इधर लेमन ग्रास भी मेरा अच्छे से है। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे,
और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।